नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजपुर के ग्राम बेरिया दौलत में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2,31,00,000 की लागत से बने भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों में कमी न आने की भी बात कही और बता दें कि आजपुर के ग्राम बेरिया दौलत में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 1,38,00,000 की लागत से बने राजकीय इंटर कॉलेज के बेरिया दौलत का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके उपरांत कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भुक्सा जनजाति के लिए 60,00,000 की लागत से बने भुक्सा परिषद भवन एवं 4 दीवारी और 32,00,000 की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का भुक्सा जनजाति के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज भवन की हालत काफी लंबे से जर्जर पड़ी हुई थी, जिसके निर्माण के लिए लगातार मांग की जा रही थी, जिसके चलते छात्र छात्राओं को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नए भवनों का निर्माण कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के लोगों के लिए आसपास के क्षेत्र में कोई सामुदायिक भवन स्थापित नहीं था, जिसके चलते जनजाति समाज के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसको संज्ञान में लेकर बेरिया दौलत में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें जनजाति समाज के लोग अपनी शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों को आसानी से कर सकेंगे। जो बेरिया दौलत इंटर कॉलेज का भवन ही बहुत ही ध्वस्तीकरण के कगार पर था, तो वहाँ नए भवन के निर्माण के लिए हमने 1,35,00,000 रुपया स्वीकृत कराया। आज वो भव्य भवन बनकर तैयार हो चुका है और उसका लोकार्पण हुआ है। और दूसरा बक्सा जनजाति परिषद के भवन का निर्माण और जो हमारा सामुदायिक भवन है, एक ही कैंपस में ये दोनों भवन निर्मित हुए हैं, आज इसका लोकार्पण हुआ है, जिसमें हमारे जनजाति क्षेत्र के जो हमारे समुदाय के जो हमारे परिवार हैं, लोग हैं, यहाँ पर अपना शादी है, विवाह है, अन्य उनके त्यौहार हैं और भी जो उनके कार्यक्रम होते हैं उसमें यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। और यहाँ पर आवश्यकता भी एक सेंट्रल प्लेस है, इसलिए हमने यहाँ पर 1,00,00,000 की लागत से इस भवन का निर्माण कराया है, आज इसका लोकार्पण हमने किया है।